एट एंगल कॉर्न कॉर्पोरेशन से जॉन वेज। आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं रॉबर्ट कियोसाकी, जो रिच डैड पुअर डैड के बेस्ट सेलिंग लेखक हैं, और आज हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में चर्चा करेंगे। रॉबर्ट किसी खास नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के बारे में बातें नहीं करेंगे, वो पूरे नेटवर्क मार्केटिंग तंत्र या संगठन के बारे में अपने विचार व्यक्त करेंगे। वो हमें नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के 8 छुपे हुए फायदे बताने जा रहे हैं, और ये भी कि किसी आदमी को नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आना चाहिए और क्यों नहीं आना चाहिए। हाय रॉबर्ट, हमारे साथ चर्चा करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, आपके साथ चर्चा करके मुझे भी खुशी होगी। रॉबर्ट, अब आप हमें नेटवर्क मार्केटिंग के चौथे फायदे के बारे में बताएं। फायदा नंबर 4, यानी अमीरों के निवेश में निवेश करना। और ज्यादातर लोग तो ये जानते ही नहीं कि अमीर और गरीब लोग अलग अलग तरीके के निवेशों पर पैसा लगाते हैं। जिन लोगों ने मेरा गेम कैश फ्लो देखा है, वो जानते हैं कि इसमें दो रास्ते हैं, एक रैट रेस यानी चूहा दौड़ और दूसरा फास्ट ट्रैक यानी तेज रास्ता। चूहा दौड़ के रास्ते पर आम लोग चलते हैं, वो अपना पैसा बैंकों में रखते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं या औसत निवेश करते हैं, जबकि अमीर लोग कैश फ्लो के तेज रास्ते पर निवेश करते हैं, ऐसे रास्ते पर जिसमें आमदनी कई गुना हो सकती है। इसमें PIPL निवेशों में फ्रेंचाइजी भी शामिल है। US सिक्योरिटीज लॉ ये कहता है कि जब तक आप मिलियनेयर नहीं है, तब तक आप तेज रास्ते पर निवेश नहीं कर सकते। तो दरअसल जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ दो ही रास्ते हैं, और सरकार कहती है कि तेज रस्तों पर चलने के लिए आपके पास कम से कम $1 million होने चाहिए। भाई कानून है, वरना आप तेज रस्तों के निवेशों में पैसा नहीं लगा सकते। भाई कानून है। बहुत बढ़िया। और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की एक बढ़िया बात यह है कि अगर आप $1,000 की अतिरिक्त कमाई कर लेते हैं तो ये अच्छी बात है, ये आपका फैसला है। पर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपको ढेर सारा पैसा कमाने के अलावा आपको अमीरों के निवेशों पर पैसा लगाने का मौका देता है। अगर आप किसी सिक्योरिटी अटॉर्नी से पूछें, वो आपको बताएगा कि एक्रीडेटेड इन्वेस्टर की परिभाषा क्या होती है। वो ये है कि आपके पास एक साल में $2,00,000 से ज्यादा का कैश फ्लो हो। जब तक आप मिलियनेयर नहीं है, तब तक आप उन निवेशों में पैसा नहीं लगा पाएंगे जिन पर अमीर लोग लगाते हैं, तो आप अपनी नौकरी में ही फंसे रह जाते हैं, जहां आपको हर साल $1,50,000 मिलते हैं पर आप इनका सही निवेश नहीं कर पाते। तो इस तरह अमीर लोग और ज्यादा अमीर बनते जाते हैं, क्योंकि उन्हें अमीरों के निवेश में पैसा लगाने की छूट होती है। मैं ऐसे कई लोगों से मिला हूं जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में बहुत सफल हैं। वो निवेशकों के रूप में इससे भी ज्यादा पैसा कमाते हैं, क्योंकि उस जगह पर वो निवेश करते हैं जहां सिर्फ अमीर लोग करते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग का चौथा बड़ा फायदा यह है कि ये आपको दुनिया के सर्वश्रेष्ठ निवेशों में पैसा लगाने का मौका देते हैं। मैं इसी जगह पर अपना पैसा लगाता हूं। नाइटिंगेल कॉनन का एक और बढ़िया टेप सेट है जिसे सुनने की सलाह मैं देना चाहूंगा। ये है सर जॉन टेम्पल्टन का द लॉज ऑफ इनर वेल्थ। सर जॉन टेम्पल्टन का नाम तो सुना ही होगा जिन्होंने टेम्पल्टन फंड स्थापित किया था। नाइटिंगेल कॉनन का ये टेप सेट उन लोगों के लिए है जो पैसे के आध्यात्मिकता को समझना चाहते हैं। पैसे के भौतिक महत्व को तो हम सभी जानते हैं, पर जीतने के लिए हमें यह भी जानना होगा कि निवेश करने और अमीर होने के आध्यात्मिक लाभ क्या होते हैं। सर जॉन टेम्पल्टन सचमुच महान है, वह सच्चे परामर्शदाता हैं, और हमें ये टेप सेट जरूर जरूर सुनना चाहिए। सर जॉन टेम्पल्टन वो आदमी थे जिन्होंने अपने फंड से इस्तीफा दे दिया और अपने सारे पैसों को दान में दे दिया ताकि पूरी दुनिया में आध्यात्मिकता का प्रचार जोरों शोरों से हो सके। तो सर जॉन टेम्पल्टन का टेप सुनने लायक है, और ये नाइटिंगेल कॉन्वेंट की लाइब्रेरी में है। तो ये विचार हमें एक बार फिर फायदे नंबर 1 की तरफ ले जाता है। नाइटिंगेल कॉन्वेंट और कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों की तारीफ इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि पैसा कमाने के अलावा यहाँ आपको आध्यात्मिक मूल्य भी सिखाए जाते हैं। मेरे अमीर डैडी कहते थे अमीर बनने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप उदार बने। मैंने ये पाया कि ज्यादातर अमीर लोग उदारता के कारण अमीर बनते हैं, लोगों की सेवा करके। मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ अपनी ही मदद करने का विचार दिल से निकाल दें, आप दूसरों की भी मदद करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो भगवान भी आपकी मदद जरूर करेगा। अपने लिए ही काम करना S या E क्वाड्रेंट की मानसिकता है। मैं तब तक काम नहीं करूंगा जब तक मुझे इसके बदले में पैसे नहीं मिलेंगे, इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। जबकि बिजनेस मालिकों को नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपको तब तक पैसे नहीं मिलते जब तक आप दूसरों की मदद ना करें। ये एक बहुत बढ़िया सिस्टम है। नेटवर्क मार्केटिंग का आदमी सिर्फ तभी अमीर बन सकता है जब वो दूसरों को अमीर बनने में मदद करे। और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की ये एक बढ़िया बात है कि ये लोगों को उदारता का सच्चा अर्थ समझाता है और उदारता के माध्यम से अमीर होना सिखाता है।